प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुले में नमाज पर रोक लगाने की बात जब छेड़ी तो इसे लेकर बिहार में भी सियासत गर्मा गई। भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का एक बयान अब फिर चर्चे में है। दरअसल भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग कर दी। सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस पर रोक लगनी चाहिए। भाजपा विधायक के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में भी इस मुद्दे के गर्माने के आसार अब दिखने लगे हैं। विधायक बचौल ने विधानसभा में वंदे मातरम नहीं गाने के मामले पर भी निशाना साधा। इस दौरान विधायक ने एक समुदाय विशेष को निशाने पर लिया। विधायक बचौल के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बहुत लोग हैं जो खाते हैं भारत के, भारत में बिहार में नहीं देखे कि वंदे मातरम गाने से परहेज है। वंदे मातरम में क्या है? भारत माने थल की वंदना है, हवा की वंदना है, अन्न की वंदना है, सुजलाम सुफलाम हरियाली की वंदना है। ये नहीं हम गाएंगे? कौन सी मानसिकता है? इस मानसिकता को समय रहते नहीं रोका गया तो बहुत बड़ी हानि होगी भारत में। तो एक ही धर्म के लोग हैं या और दूसरे धर्म? एक ही धर्म के लोग हैं। थाना में गलत है, थाना में हो चाहे कहीं भी सार्वजनिक स्तर पर नमाज पढ़ा जाता है वो गलत है, इसको अविलंब रोक लगाया जाए। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।